आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। देखिए आज की तमाम खबर। होली हिंदू समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। होलिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अगले दिन रंग गुलाल से होली खेली जाती है। इसे धुलेंडी, धुलंडी और धूली भी कहा जाता है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होलिका दहन की तैयारी त्योहार से 40 दिन पहले शुरू हो जाती है। सूखी टहनियां पत्ते जुटाने में लगे रहते हैं। फिर फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को अग्नि जलाई जाती है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह नहाने से पहले इस अग्नि की राख को अपने शरीर पर लगाते हैं, फिर स्नान करते हैं। होलिका दहन का महत्व है कि आपकी मजबूत इच्छा शक्ति आपको सारी बुराइयों से बचा सकती है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई के जीत के पर्व के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन का पौराणिक महत्व भी है। इस त्योहार को लेकर सबसे प्रचलित है प्रहलाद, होलिका और हिरण कश्यप की कहानी। राक्षस हिरण कश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वहीं हिरण कश्यप भगवान नारायण को अपना घोर शत्रु मानता था। पिता के लाख मना करने के बावजूद प्रहलाद विष्णु की भक्ति करता था। असुराधिपति हिरण कश्यप ने कई बार अपने पुत्र को मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। हिरण कश्यप की बहन होलिका को वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। उसने अपने भाई से कहा कि वह प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता पर बैठेगी और उसके हृदय के कांटे को निकाल देगी। वह प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठी भी, पर भगवान विष्णु की ऐसी माया कि होलिका जल गई, जबकि प्रहलाद को हल्की सी आंच भी नहीं आई। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।